सोशल मीडिया पर 500 के नोट पर महात्मा गांधी की जगह एक एक्टर की तस्वीर लगा दी गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है और खुद वो एक्टर भी हैरान है। जी हाँ, कुछ फोटोज 500 के नोट के इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर खुद एक्टर चौंक गए। अब वो एक्टर कौन है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक ठगी से जुड़ा हुआ है, जहां पर 500 के नोट पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर लगा दी गई और खुद अनुपम खेर भी इन नोटों को देखकर हैरान रह गए। कई लोग तो इस पर मीम्स बना रहे हैं। वेली पूरा मामला जो है वो अहमदाबाद का है, जहां पर पुलिस इन नोटों को छापने और इससे ठगी करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। सोशल मीडिया पर जो फोटोज वायरल हो रही हैं, उन्हें देखकर भले ही आपको हंसी आ जाए, लेकिन इनके जरिए एक बहुत ही सीरियस क्राइम किया गया है। अहमदाबाद में सराफा कंपनी के एक मालिक को 1,60,00,000 का चूना लगा दिया गया। शहर के मानिक चौक इलाके पर सराफा की दुकान चलाने वाले इस व्यापारी के साथ ठगी का ये पूरा मामला किया गया। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो व्यापारी ने बताया है कि कुछ लोग 2100 ग्राम सोना खरीदना चाहते थे। आरोपियों ने कहा था कि वो सोने की डिलीवरी किसी एक कुरियर कंपनी में चाहते हैं। व्यापारी ने कहा कि कर्मचारी सोना लेकर बताए गए पते पर पहुंचा। आरोपियों ने उसे एक प्लास्टिक कवर दिया, कहा कि इसमें 1,30,00,000 रुपए हैं। उन्होंने कैश को मशीन में गिनने के लिए कहा तो तब वो 30,00,000 रुपए दूसरी दुकान से लेकर आते हैं और ये कहते हुए ही दोनों आरोपी सोना लेकर चले गए। व्यापारी का कर्मचारी जब प्लास्टिक का कवर खोलता है तो तब अनुपम खेर की तस्वीर महात्मा गांधी की जगह उन्हें देखने को मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरोपियों ने कंपनी को ठगने के लिए पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। उन्होंने कोई दुकान भी किराए पर ली थी, लेकिन बोर्ड भी नकली था। यहाँ तक कि दुकान के मालिक को भी उन्होंने कहा कि वो 1 से 2 दिन के अंदर ही एग्रीमेंट बना लेंगे और उनकी तरफ से दिए गए पैसे भी नकली ही निकले। अब एक तरफ जहां नोट पर महात्मा गांधी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर लगा दी गई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। नोटों के बंडल पर SBI की मोहर वाली एक पर्ची भी दिख रही है, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गलत लिखा है। माना यह जा रहा है कि जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए नोट छापे जाते हैं, उसी का इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया है। वहीं एक्टर अनुपम खेर भी अपनी हैरानगी जाहिर करते हैं। उन्होंने लिखा है, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। वेल, ये बात तो अनुपम खेर ने बिल्कुल सही कही कि कुछ भी हो सकता है। तो आप भी इस तरह की ठगी से बच के रहें, अवेयर रहें और अपने आसपास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनके साथ इस तरह की ठगी ना हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।